हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पंजाबी सूट के कलर कॉम्बिनेशन आइडियाज़ शेयर करूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिफरेंट कलर के फैब्रिक को मिक्स मैच करके एक डिज़ाइनर और स्टाइलिश सूट अपने लिए बनवा सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इस डिज़ाइन में आप देख रहे हो, डार्क मरून कलर के फैब्रिक से कुर्ती और लाइट येलो कलर के फैब्रिक से पटियाला बना के आप इस तरीके की ब्यूटीफुल से पटियाला सूट अपने लिए बनवा सकते हो। नेक्स्ट डिज़ाइन में ऑफ वाइट कलर के फैब्रिक और ब्लू कलर के फैब्रिक को कंबाइन करके आप इस तरीके की पंजाबी सूट बनवा सकते हो। आप चाहे तो अपने सलवार के लिए इस तरह एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो। अगली डिज़ाइन में आपको ग्रे और मरून का कलर कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। ग्रे कलर के फैब्रिक से आप कुर्ती और मरून कलर के फैब्रिक से सलवार बना के आप उसी कलर के कॉन्ट्रास्ट दुपट्टे को अपने सूट के साथ कैरी कर सकते हो। इस डिज़ाइन में आपको ऑरेंज और पिंक का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। ऑरेंज कलर के फैब्रिक से कुर्ती और पिंक कलर के फैब्रिक से सलवार बनवा सकते हो। आप चाहे तो अपने सलवार के फैब्रिक का यूज़ अपने कुर्ते में भी कर सकते हो, जैसे कि इस डिज़ाइन में आप देख रहे हो। अगली डिज़ाइन में आपको बेबी पिंक और रेड का कलर कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक और डिफरेंट होते हैं। बेबी पिंक कलर के फैब्रिक से कुर्ती और रेड कलर के फैब्रिक से आप अपने सूट के पटियाला बनवा सकते हो। नेक्स्ट डिज़ाइन में प्लेन पिंक कलर के फैब्रिक से कुर्ती और फिरोजी रंग के ब्लू कलर के फैब्रिक से पटियाला बनवा सकते हो। आप चाहे तो पटियाला के कलर की लेस की डिज़ाइनिंग अपने सूट की कुर्ती पे करवा सकते हो। अगली डिज़ाइन में आपको व्हाइट और मरून का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। व्हाइट कलर के नेट के फैब्रिक से कुर्ती और मरून कलर के फैब्रिक से आप अपने सूट की सलवार बनवा सकते हो और उसी कलर के दुपट्टे को आप अपने सूट के साथ मैच कर सकते हो। इस डिज़ाइन में आपको कुर्ती विद स्कर्ट की डिज़ाइन देखने मिलेगी। रेड कलर के फैब्रिक से कुर्ती और ब्लू कलर के फैब्रिक से आप अपने सूट की स्कर्ट बनवा सकते हो और उसके साथ स्कर्ट के कलर के नेट के दुपट्टे को कैरी कर सकते हो। आप चाहे तो अपने सूट पे इस तरह पतले वाले गोल्डन लेसेस की डिज़ाइनिंग भी करवा सकते हो। अगली डिज़ाइन में आपको रेड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी कॉमन कॉम्बिनेशन है। नॉर्मली सबके पास ये कलर कॉम्बिनेशन होते ही ब्लैक कलर की फ्लावर प्रिंटेड वाले फैब्रिक से कुर्ती और रेड कलर की प्लेन फैब्रिक से अपनी सूट की सलवार बनवा सकते हो और उसी कलर के दुपट्टे को आप अपने सूट के साथ मैच कर सकते हो। रेड कलर के सलवार और दुपट्टे को आप व्हाइट कलर और ऑफ व्हाइट कलर की कुर्ती के साथ भी कैरी कर सकते हो। दोनों ही कलर के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से मैच होती है। व्हाइट कलर के नेट की कुर्ती को आप एक और कलर के साथ मैच कर सकते हैं, वो है येलो कलर, जैसे कि इस डिज़ाइन में आप देख रहे हो। अगली डिज़ाइन में आपको येलो और रेड का कॉम्बिनेशन देखने मिलेगा। येलो कलर के फैब्रिक से कुर्ती और रेड कलर के फैब्रिक से आप अपने सूट के पटियाला बनवा सकते हो और उसके साथ रेड कलर के दुपट्टे को कैरी कर सकते हो। येलो कलर को आप एक और कलर के साथ मैच कर सकते हो, वो फिरोजी रंग के सूट। फिरोजी रंग के सूट के साथ आप येलो कलर के पटियाला सलवार को अपने सूट के साथ कैरी कर सकते हो। इस डिज़ाइन में आपको उसका रिवर्स देखने मिलेगा। फिरोजी रंग के सलवार के साथ इन्होंने पिंक कलर की कुर्ती को कैरी किया हुआ है। आप इस कलर कॉम्बिनेशन का भी यूज़ अपने सूट के लिए कर सकते हो। अगली डिज़ाइन में मरून कलर के सूट के साथ आप ग्रीन कलर के दुपट्टे और सलवार को कैरी कर सकते हो। मरून कलर को आप एक और कलर के साथ मैच कर सकते हो, वो है वाइट कलर। आप इस कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ भी अपने सूट के लिए कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आने वाले वीडियोस में मैं और भी नए नए आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूं। इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिफरेंट और यूनिक सूट के कलर कॉम्बिनेशन शेयर किए हैं। इस वीडियो में जिस भी सूट की डिज़ाइन आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपने लिए उस तरीके के सूट सिलवाना चाहते हो तो उसकी एक स्क्रीनशॉट निकाल के आप अपने टेलर को दिखा के उस तरीके के सूट अपने लिए बनवा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और हेल्पफुल हो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।